फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है और इसका एक मुख्य समूह है अगेती फूल गोभी। इसकी बुआई आजकल जून जुलाई के महीने में की जाती है और ये तैयार होती है सितंबर अक्टूबर और मध्य नवंबर तक। इसके लिए उत्तम किस्में हैं पूसा मेघना जो सितंबर अंत से मध्य अक्टूबर तक तैयार होती है, उसके बाद है पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिकी, ये दोनों अक्टूबर के अंतिम सप्ताहों में तैयार होती हैं, और एक संकर किस्म है पूसा कार्तिक शंकर जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अलग अलग समय में तैयार हो सकती है बुआई के हिसाब से। ये चार मुख्य किस्में हैं जो पूसा संस्थान की हैं। अगेती फूल गोभी की उत्पादन के लिए पौध तैयारी एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसके लिए जगह का चुनाव विशेष रूप से करना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखें कि एक तो जल भराव वाली स्थिति की जगह नहीं हो, दूसरी ऐसी कोई जगह ना लें जिसमें कोई कीड़े या दीमक की समस्या हो। ऐसी जगह का चुनाव करने के बाद में उस भूमि का उपचार करना अनिवार्य है और इसके लिए 0.3% कैप्टान का घोल बना करके उस जगह को ड्रेंचिंग कर दें। और जो जैविक खेती करते हैं वो लगभग 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके 7-8 दिन रखें और फिर उसके बाद उस जगह में मिला करके उसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई के बाद में लगभग 3 से 5 मीटर लंबी और 45 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर चौड़ी बेड बनाएं जो कि 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए और उसके दो बेड के बीच में लगभग 1 फीट का फासला रखें जिससे निराई गुड़ाई करने में या फिर जल निकासी में समय आसानी रहे। साथ ही साथ बीज उपचार करना अनिवार्य है। इसके लिए 2 ग्राम बावेस्टिन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अब 1 हेक्टेयर के लिए अगेती फूलगोभी में यदि हमें बीज की मात्रा देखें तो 600 ग्राम से 750 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचारित करने के बाद में बेड के ऊपर बुआई के लिए तैयारी करें बेड को। उसके लिए लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 से 1.5 इंची गहरी लाइनें बनाएं, पंक्तियां बनाएं, उन लाइनों के अंदर बुआई करें और लगभग ध्यान रखें कि ज़्यादा घना भी बीज न डालें, नहीं तो घना बीज डालने से पौधे अच्छे नहीं बनते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 35 से 40 बेड पर्याप्त होती हैं। जैसे पंक्तियों में बीज डाल दिया उसके बाद में एक बात का ध्यान रखें कि सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 ग्राम बावेस्टिन प्रति किलो गोबर की खाद के हिसाब से एक मिक्सचर बना करके उन पंक्तियों को ढकें और उसके ऊपर सूखी घास जरूर डालें। सूखी घास डालने के बाद में उस पर पानी डालें सुबह शाम और 3-4 दिन बाद में लगभग जर्मिनेशन आ जाता है, उस टाइम धीरे धीरे सायंकाल के समय सूखे घास को हटाएं और 2 ग्राम बावेस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। के बाद में जब हर सुबह शाम लगभग 7-8 दिन तक सुबह शाम जरूर सिंचाई करें और 7-8 दिन बाद में एक बार हल्की गुड़ाई करें पंक्तियों के अंदर, तो उससे घास भी निकलेगा और साथ में अच्छा हवा का जो एरेशन होता है उससे पौध अच्छी बनती है। इसके बाद में जब थोड़ा सा समय और हो जाता है तो ध्यान रखें कि कुछ बीमारियां आने लग जाती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम आर्द्र गलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधा ऊपर से तो ठीक दिखते हैं पत्तियां, लेकिन सतह के पास से लुढ़क जाता है, गड़ करके लुढ़क जाता है। तुरंत कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर बावेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको ड्रेंचिंग करें। एक कीड़ा आता है जिसको हम बरगड़ा भी कहते हैं या पेंटेड बैग कहते हैं, जिसके ऊपर धब्बे रहते हैं, उसके बचाव के लिए इंडोक्सिकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अगेती फूल गोभी की पौध है वो लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल जून जुलाई का महीने में अधिक गर्मी होती है और बारिश की समस्या है, तो इसके लिए जो छायादार जो नेट हैं वो या फिर जो सिरकी बनती है उससे बना करके और पौध की छाया से सुरक्षा करें। और यदि अधिक बारिश की समस्या लगती है जमाव के समय तो प्लास्टिक सीट से ढकें। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद प्लास्टिक से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें बारिश से कोई समस्या